हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। आज हम लोग जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का शेयर है। ठीक, इसमें चौंकाने वाले परिणाम आए हैं, इसका रिजल्ट अच्छा आया है, उसके ऊपर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको मैं एक टारगेट सजेस्ट करने वाला हूँ जो आने वाले टाइम में जल्द ही अचीव होता हुआ दिखाई देगा। और जो पहले से बाई करके रखे हैं उनको क्या करना चाहिए, सब पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट मिस ना हो। चैनल पे गिव अवे भी चल रहा है, अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, दिवाली को दूर नहीं है दिवाली, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। मैंने आई बटन पे उसका लिंक मेंशन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज हम लोग जिस शेयर पे बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का शेयर है। देखिए 504 रुपये अभी पे चल रहा है। फरवरी 14 को अपकमिंग अर्निंग्स के रिजल्ट आएंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर अब। ठीक है, ईएसपी जो है 6.8 है इसका। मार्केट कैपिटल देखिए 466.628 बिलियन की है, अच्छी खासी मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड एड जो प्रोवाइड करती है 0.54% है। पीई जो है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है इसका 74.3, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हो रही है इसमें। लॉकडाउन में थोड़ा इसका जो ऐसे स्टारबक्स और ये सब बंद था तो उसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो था वो घटा है, फिर भी पिछले के लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर काफ़ी अच्छा है। तो देखिए फाइनेंशियल में मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 466.28 बिलियन के करीब है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो इनके पास हैं वो 4,165 हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो 376,000 के करीब हैं। देखिए इसका एवरेज वैल्यूम जो है 10 दिन का वो 5.817 मिलियन है, तो मतलब बहुत अच्छा वैल्यूम जनरेट हो रहा है इस शेयर में। 52 वीक हाई जो है 591.95 पैसे है और 52 वीक लो जो है 213.70 पैसे है। इसके हिसाब से तो बहुत अच्छी मूवमेंट आने के इसमें फुल चांसेस हैं। आइए इसकी प्रोफाइल देख के इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि टाटा प्रोडक्ट कंज्यूमर जो है क्या क्या कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो देखिए प्रोफाइल में सेक्टर जो है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल का है, इंडस्ट्री फूड स्पेशलिस्ट और कैंडी में माहिर है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है, मतलब ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि इंगेज करती है ट्रेड करती है, प्रोडक्शन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है कॉफ़ी, टी और वाटर का। बेसिकली इसका जो मेन है वो टी और कॉफ़ी का है। स्टारबर्ग आपको पता ही होगा, टाटा स्टारबर्ग टाटा का ही है, तो इसकी वजह से टाटा कंज्यूमर से बिलोंग करता है वो भी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है वो अपने वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है टी और कॉफ़ी का। तो देखिए जो इसका ब्रांड में सेगमेंट आता है, 3 सब कैटेगरी पे ये काम करते हैं। ये सेल करते हैं ब्रांडेड टी, ब्रांडेड कॉफ़ी और ब्रांडेड अदर प्रोडक्ट। तो आपको पता ही है, जैसे इंक्लूड करता है वाटर प्रोडक्ट को। जो नॉन ब्रांडेड बिजनेस सेगमेंट है इनके, वो जैसे प्लांटेशन हो गया और एक्सट्रैक्शन हो गया, जैसे टी और कॉफ़ी और अदर प्रोड्यूसर जो कॉफ़ी और टी के लिए काम आते हैं। तो देखिए कंपनी जो फाउंड की गई थी अक्टूबर 18, 1962 में फाउंड की गई थी, मुंबई इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। अभी हम लोग इसका प्राइस और टारगेट जानेंगे। आइए उससे पहले हम लोग क्वार्टर के रिजल्ट पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर 2021 में और क्वार्टर टू 2021 में देखिए क्या क्या डिफरेंस रहा है। तो पहले क्वार्टर में देखिए इसका जो एक्सपेक्टेड था उसमें भी काफ़ी अच्छी इसने बहुत ईएसपी बीट किया है 43.60% से, और इस बार भी 31.43% से बीट किया है। तो उसके हिसाब से दोनों ही क्वार्टर में बढ़ोतरी हुई है, मुनाफा हुआ है। ठीक है, तो 2.10 का एक्सपेक्टेड था, ये जितना भी है 2.10 पहले क्वार्टर में, उसके हिसाब से रिपोर्ट आई 3.02 की, तो उसके वजह से काफ़ी अच्छी मूवमेंट आई। रेवेन्यू में भी ग्रोथ हुई, 24.75 बिलियन का अनुमान था उससे ऊपर ये खड़ा उतरा और उससे ज़्यादा आया है इसका 27.14 बिलियन। और सेकेंड क्वार्टर में भी सेम वैसा ही रहा है, ग्रोथ हुई है, थोड़ी कम हुई है बट हुई है। एक्सपेक्टेड देखिए इसमें रेवेन्यू था 27.19 बिलियन बट रिपोर्ट में उससे ऊपर ही आया है 27.81 बिलियन। और ईएसपी में भी ग्रोथ आई है, 2.7 का एक्सपेक्टेड था, मतलब अनुमान लगाया गया था, और रिपोर्ट में 2.98 आया है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। आइए इसके जो
प्रॉफिट नेट प्रॉफिट राइज हुआ है सितंबर क्वार्टर में, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल ही इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ था, अर्निंग रिजल्ट। तो उसके अंदर बताया गया कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड जो है सितंबर क्वार्टर का नेट प्रॉफिट जो हुआ है 2.57 बिलियन रुपीज हुआ है, जबकि लास्ट ईयर बस 1.93 बिलियन रुपीज हुआ था। देखिए लॉकडाउन था उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, तो इसमें कंपनी में अच्छी ग्रोथ तो दिख ही रही है प्रॉफिट वाइज। देखिए इसमें जो टाटा प्रोडक्ट सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है जो ऑपरेशन थ्रू, वो भी बढ़ा है 27.81 बिलियन रुपीज हुआ है, जबकि लास्ट ईयर 23.47 बिलियन रुपीज ही था। तो उसकी वजह से कंपनी में अच्छी ग्रोथ आई है। और इस दीपक की तरह आपके घर भी लक्ष्मी की वर्षा हो तो उसके लिए एक वीडियो पे लाइक जरूर करिएगा। आइए चार्ट से इस देख के हम लोग इसका टारगेट और प्राइस सजेस्ट कर जान लेते हैं कि आपको किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने मेंशन कर रखा है आप करंट वैल्यू पे बाय करिए 505 से 510 के बीच में, और टारगेट 540 तक के रखिए। ये आने वाले दिनों में अचीव हो जाएगा क्योंकि अर्निंग का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो मंडे को भी इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आप टारगेट रखने के लिए मैंने चैट में मेंशन कर रखा है ये येलो लाइन, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना रहा है शेयर। अगर वहां तक ग्रो हुआ तो वहां पे आराम से रुकेगा ये काफी टाइम तक, और आप जब चाहें तब उससे एग्जिट कर सकते हैं, या आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट के लिए। आप करंट वैल्यू पे इसलिए बाय करिए, देखिए ये जो मैंने दो चैनल बना रखा है 485 पे, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है इस बीच में, ठीक है। तो अगर इस वैल्यू से ज्यादा गिरेगा तो ये 485 तक गिरेगा। अगर गिरा भी तो, क्योंकि अर्निंग रिजल्ट अच्छे आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोग प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे भी तो 485 तक जाएगा। अगर आप थोड़ा लेट और बाय करते हैं तो आपको और नीचे वैल्यू पे मिल जाएगी, बट आप करंट वैल्यू पे बाय करते हैं तो 450 और 450 तक, मतलब 540 तक का आपको आराम से टारगेट मिल जाएगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका इस शेयर से रिलेटेड या किसी शेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा।